हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। clovia.com एक ऑनलाइन साइट है जो लेडीज के अंडरगार्मेंट्स एंड नाइटवेयर्स को सेल करती है। clovia.com से मैं पहले भी एक बार कुछ चीजें परचेज कर चुकी हूँ। ये मेरी सेकेंड परचेज है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस बार भी मेरे पास ऑफर आया कि 799 रुपीज में आप कोई भी 3 ब्रास को सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ रेंज होती है उनकी जिसमें से आप उन ब्रास को सेलेक्ट कर सकते हो और काफी ज्यादा बड़ी रेंज होती है। ऐसा नहीं कि कुछ में से आपको सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ वो फ्री में दे रहे थे एक ऑक्सी ग्लो का ट्रेवल किट, वो फ्री था। तो मैं आपको उसके साथ ये भी शो करूंगी कि क्या चीज आई है जो फ्री में मिली है मुझे ऑक्सी ग्लो की तरफ से। और एक चीज यहां पर मैं और कहना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप विंटर्स में कुछ भी पहनते हो तो आपके जो पार्ट्स हैं वो इतने ज्यादा नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब समर्स आ रही होती हैं तो टी शर्ट वगैरह में कई बार आप टी शर्ट ब्रा भी पहनते हो फिर भी आपके जो पॉइंट्स हैं वो नजर आते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते अगर देखें तो, या फिर खुद को भी कॉन्शियस फील होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि समर्स के हिसाब से मैं इस बार कुछ लाइटली पैडेड ब्रास ऑर्डर करती हूँ, तो देखते हैं वो कैसे निकलती हैं। तो मैं आज उसको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि उनकी क्वालिटी कैसी, साइज कैसा है, हैवी ब्रेस्ट वाली लेडीज उसको पहन सकती हैं कि नहीं पहन सकती हैं, और कुशनिंग कितनी है उसकी। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये सारी चीजें मैंने अपने आप से परचेज करी हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, क्लोविया से इस तरीके का बॉक्स आता है पिंक कलर का, और बहुत ही बड़ा सा ये बॉक्स है क्योंकि 3 ब्रास एक साथ आ रही थी। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पैक होकर आई थी। और ये रहा वो ऑक्सी ग्लो का टॉयलेट किट, या फिर आप कह सकते हो ट्रेवल किट। तो ये मैं भी आपको थोड़ी देर में शो करती हूँ कि इसके अंदर क्या आया है। तो मैं आपको एक एक ब्रा खोल कर दिखा देती हूँ कि ये जो लाइटली पैडेड ब्राज होती हैं, पैडेड ब्राज होती हैं, वो किस तरह से पैक होकर आती हैं। तो इसके अंदर इस तरह से ये लगा होता है, पेपर का रोल सा बनाकर इसके अंदर रखते हैं जिससे कि जो इनका कुशन है वो ख़राब नहीं हो। तो सारी ब्राज में इसी तरीके से कुशनिंग होकर आई थी पेपर की। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये सारी ब्रास सिर्फ लाइटली पैडेड हैं, इनमें अंडरवायर नहीं दिया हुआ है। और साथ में ये कूपन ज़रूर भेजते हैं, तो अगर आप 999 की परचेजिंग करते हो तो 200 का ऑफ मिलेगा, अगर 1499 की परचेजिंग करते हो तो 300 का ऑफ मिलेगा। बट ये एक टाइम लिमिट के अंदर ही आपको परचेज़ करना होता है, तो ये कूपन भी आप यूज़ करके आगे की परचेजिंग कर सकते हो। और ये हर बार मिलता है जब भी आप कुछ भी परचेज़ करोगे। तो फर्स्ट ब्रा मेरी इस तरीके की आई है, ये बहुत ही अच्छा होजरी का कपड़ा है, एकदम लाइटली और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल। और इस तरीके की यहाँ पर आपको लेस लगी हुई दिख जाएगी और 3 हुक लगे हुए हैं। थोड़ी सी अगर हैवी ब्रेस्ट के लिए ब्राज होती हैं तो 3 हुक्स लगे हुए आते हैं इसमें। तो स्ट्रेच आप देख सकते हो कितना अच्छा है, और कुशन भी इसका अच्छा है, लाइटली पैडेड है, और मुझे लगता है कि ये कोई भी हैवी ब्रेस्ट वाली लेडी भी इसको पहन सकती है। एडजस्टेबल स्ट्रैप है, और इस तरह से यहाँ पर ये दे रखा हुआ है कि आप इसको डिटैचेबल, जिसको कहते हैं स्ट्रैप, वो दे रखा है, तो आप इसको डिटैच भी कर सकते हो यहाँ से, और इसके जगह पर आप ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रैप होती है उसको भी लगा सकते हो। और बहुत ही आसान होता है इसको निकालना और लगाना। इसके साथ ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप नहीं मिली है, आप उसको अलग से लेकर लगा सकते हो। तो ये रही सेकेंड ब्रा, और ये वाइट एंड ब्लैक में है, और यहाँ पर ये पावर नेट लगा हुआ है, वो नेट का ही नाम होता है, इसको पावर नेट बोलते हैं। और इसका भी स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है, और आप इसका प्रिंट देख सकते हो। कपड़े जो भी ब्राज मैंने देखी हैं इनमें तीनों के बहुत ही अच्छे हैं। इसका स्ट्रैप थोड़ा चौड़ा है और इसको आप जो है डिटैच नहीं कर सकते हो, ये फिक्स है। इसमें भी 3 हुक थे। और ये थर्ड ब्रा है, ये मजेंटा स्ट्रैप एंड ब्लैक में है, और वाइट कलर के छोटे छोटे स्टार्स से दिख रहे होंगे आपको बने हुए। हल्का साटन का कपड़ा है इसका, आप देख सकते हो, जैसे कि बाकी दोनों का कपड़ा थोड़ा सा अलग है, इसका साटन सा कपड़ा है। और इसके साइड में भी पावर नेट दे रखा है दूसरी वाली के जैसे ही। इसका स्ट्रेच भी काफ़ी अच्छा है, और इसकी स्ट्रैप को भी आप डिटैच कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ब्लू वाली दिखाई थी, और इसकी जगह पर आप ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप को लगा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी, और हुक भी इसमें भी 3 दिए हुए, तीनों में 3 हुक दे रखे हैं। तो जो डिटैचेबल स्ट्रैप वाली ब्राज होती हैं वो आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो, इसमें जो है वो लगाकर ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप को। तो साइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ इस तरीके से। साइज़ में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुई थी क्योंकि ये जो दोनों ब्लैक वाली ब्राज हैं इनका साइज़ मुझे सही आ रहा था, बट जो ब्लू वाली है
वो मुझे थोड़ी लूज आ रही थी और उसका कप साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ आगे। तो ये मैंने नाप के दिखा दिया, मेजरिंग टेप से जब मैंने मेजर किया तो साइज़ लगभग सबका एक ही आया, कुछ भी आगे पीछे नहीं था। बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू वाली में स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा है, इसका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचबल है, इस वजह से ये मुझे काफ़ी लूज़ आ रही थी। काफ़ी तो नहीं कह सकते हैं बट हाँ, दोनों बाकी ब्रास से ये थोड़ा सा लूज़ है और इसका कप साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, जबकि हैं तीनों सेम साइज़ में। तो ये देख लीजिए, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला कप साइज़ और ये वाला कप साइज़ मैं एक दूसरे के ऊपर ही रख कर दिखाती हूँ। मैंने चेक भी कर लिया, यहाँ पर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, सेम साइज़ ही है। बट आप ये देख लो कि यहाँ पर इस तरह से रखने पर भी ये थोड़ा सा साइड से बड़ा होकर आएगा। तो ये देखो आप, यहाँ से जितना वो आगे ये लगा हुआ है लेस, ये इतनी बड़ी होकर आ रही है, तो उसी तरीके से थोड़ी सी लूज़ भी है। इन ब्राज में क्लोविया की मुझे थोड़ी सी एक ये प्रॉब्लम लगी कि इनका जो साइज़ है, अगर आप एक्चुअल अपना साइज़ मंगाते हो, जैसे कि मैं जो भी साइज़ पहनती हूँ वो मैंने मंगाया, तो इसका जो है कप साइज़ तो बिल्कुल सही था, बट जो इसका स्ट्रैप होता है वो थोड़ा सा लूज़ था, जो मुझे फर्स्ट में लगता है हुक बाकी अपनी नॉर्मल ब्राज में, वो ये थर्ड में जाकर लग रहा था। तो बस एक यही प्रॉब्लम मुझे लगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लू वाली शायद मैं चेंज करूँगी, तो कैसे चेंज करना है हो सकता है उसका वीडियो भी मैं आपके साथ आगे के अगले या नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ, तो आप चेक करते रहना, हो सकता है आपको मिल जाए। तो मैं पूरा प्रोसीजर बताऊँगी कि किस तरीके से आप clovia.com पर इसको एक्सचेंज कर सकते हो। और ये रही वो ऑक्सी ग्लो की किट, जिसमें एक मॉइस्चराइज़र है, एक शावर जेल है और एक शैम्पू। तो इसको मैंने जब ट्राई किया तो उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर किसी की लेडी की ब्रेस्ट हैवी है तो वो लाइटली पैडेड ब्राज नहीं पहन सकती हैं। इसमें कहा तो गया है लाइटली पैडेड, बट मेरे पास एक और पहले भी परचेज करी हुई लाइटली पैडेड ब्रा है, उसकी जो पैडिंग है वो इससे भी ज्यादा पतली है और वो मुझे परफेक्ट लगती है। इसकी उतनी ज्यादा पतली नहीं है जितनी ये लाइटली पैडेड में होनी चाहिए, और शेप जो आता है वो काफी अच्छा आता है, एकदम फॉर्म आपकी बॉडी शेप लगता है, तो इसको पहन के काफी कॉन्फिडेंस फील होता है। तो मुझे एक तरीके से ये ब्रास पसंद आई हैं, और जैसा कि मैंने बोला ब्लू वाली का साइज थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया है, तो शायद मैं उसको चेंज कर दूंगी। और इस साइड पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप कोई भी ब्रा वगैरह अगर आपको साइज नहीं आता या पसंद नहीं आती है तो भी आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो या फिर रिटर्न भी कर सकते हो, आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। बहुत सारी साइट्स में ऐसा नहीं होता, आप अंडर गार्मेंट्स जो होते हैं वो वापस नहीं कर सकते एक बार परचेज करने के बाद। हाँ, इस साइट पे ये मेंशन जरूर कर रखा है कि वो पैंटीज रिटर्न नहीं लेते हैं या फिर एक्सचेंज नहीं करते हैं, बट आप ब्रा को एक्सचेंज कर सकते हो। ये था मेरा रिव्यू, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए, नई नई जानकारियों के लिए।